अपना अपने पूरा में जो शिया जामा मस्जिद है मैं उसका जो है इमाम जुमा जमात हूँ। क्या मामला है पूरा? मामला ये कि ये जो हमारा जो पुश्तैनी कब्रिस्तान है उसमें जो है हमेशा दफ़ को लेकर जो है जो विवाद दोनों समुदाय के दरमियान में जो कुछ विवाद होते रहते हैं, जबकि सरकारी कब्रिस्तान 11 है जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 260 मंडा है और 10 कब्रिस्तान में 100% जो है हमारे सुन्नी बरादरान जो है ये सब के जो है काबिज हैं और एक कब्रिस्तान है जिसमें हम थोड़ा सा जो है दफन होते हैं उस पर इन लोगों को आपत्ति होती है और आपत्ति के साथ साथ जब भी हमारा कोई मरता है तो उसके साथ ये कहते हैं तुम यहाँ नहीं यहाँ यहाँ दफन करो, ये सिर्फ इसलिए ताकि हमको वो एहसास दिलाते रहते हैं कि देखो हम सब जो कुछ है हम हैं इसी जगह पे जो है और वो अपना जो है डायरेक्शन देते हैं, कभी जो है हमको बताते सिर्फ दो हाथ आगे खनो दो हाथ पीछे खोदो, इसका मतलब ये होता है सिर्फ आप जो वो हमको प्रेशर में रखते मतलब डायरेक्शन देते हैं और हमको जो है आप आर्डर करते हुए हाँ मालिकाना हक जताते हैं मालिकाना हक जताते हैं कुछ नहीं। हालांकि क्या ये बताए सच में कि सिर्फ यही लोग भारत के निवासी हैं? क्या यही लोग सिर्फ 100% जो सरकारी प्रॉपर्टी को यूज करने के मालिक है? क्या हम हमारा कोई इसमें हक नहीं होता? कुछ नहीं, सिर्फ जहन के खुराफात जी। ये हमेशा से कब्रिस्तान में हम लोग दफन होते चले आ रहे हैं और दफन हो रहे हैं। इसमें ये हुआ कि सिया हजरात ने बीच में कुछ प्रोपेगंडा कर दिया था जिसमें हमारे साहबा को बहुत नीचा ऊंचा बोल दिया, तो जिस वक्त विवाद हो गया था सुन्नी वर्ग के लोगों ने इसको रोक दिया, इसमें सभी अस्तर के अधिकारी आए और मामला शांत हो गया। जब से कोई मामला नहीं है, हमेशा सिया हजरात एक विवाद के नाम पर और विवाद खड़ा करते हैं और कहते हैं कि विवाद है, न विवाद था न विवाद है। ये विवाद नहीं है, ये लोग परंपरा रूप से जो है सिया और सुन्नी समुदाय के लोग घाटा संख्या में बहुत दिनों से अपने शव को दफनाते हैं। थोड़ा बहुत आपसी मतभेद था और ये सिया के लोगों ने दरख्वास्त दिया था जिलाधिकारी महोदय को, उसमें एक कमेटी बनाई गई है जिसमें मैं हूँ और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हैं और सीओ भौसी साहब है और उसी संदर्भ में एक बैठक आज यहाँ दोनों समुदायों को बुलाई गई थी लेकिन पूर्व से सभी को सूचनाएं नहीं हो पाई थी तो कुछ लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए इस बैठक को पुनः जो है अगले संडे को रखा गया है।